गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज का वीडियो होने वाला है कि जो सीबीएसई ने पैटर्न चेंज किया है इसको अभी तक एज इट इज फॉलो नहीं किया है आईएससी बोर्ड ने, तो आपको बीइंग अ स्टूडेंट आज से तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्या एकदम से अपनी पढ़ाई का पैटर्न चेंज कर देना चाहिए, या बहुत सारे यूट्यूबर चिल्ला के यही बात बोल रहे हैं कि भाई अब तो करेंगे ऑब्जेक्टिव की तैयारी। भाई ऐसा ना हो, तुम्हें ना सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा कॉन्सेप्ट्स, और अगर कोई बोले कि कॉन्सेप्ट्स के बिना हम एमसीक्यू की तैयारी करना शुरू कर दे, रटना शुरू कर दे, हर चैप्टर का तुमको एमसीक्यू दे दे तुम्हारी तैयारी हो जाएगी, ऐसा नहीं होगी। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको तैयारी कैसे करनी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, जैसे तुम पढ़ते आ रहे हो तुम वैसे ही पढ़ते रहोगे, तुम्हें उसके ऊपर कोई भी चेंज नहीं करना एकदम से पैटर्न के ऊपर, ठीक है ना। तुम जैसे मान लेते हैं अगर आपने पार्टनरशिप स्टार्ट किया है, जो भी बच्चा मेरा ये देख रहा है वीडियो, मैक्सिमम बच्चे जो आईएससी के होंगे वो देख रहे होंगे और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो सीबीएसई का ये वीडियो देख रहे होंगे। तो भाई अगर तुमने पार्टनरशिप की तैयारी करनी शुरू की है और तुम पढ़ रहे हो फंडामेंटल, फिर चेंज इन पीएसआर, गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट डेट, डिसोल्यूशन, तुम जैसे पढ़ते हो उसको पहले वैसे ही पढ़ डालो, पूरा चैप्टर पढ़ डालो, सारे इलस्ट्रेशन, सारे क्वेश्चन कर डालो अलॉन्ग विद द थ्योरी पोर्शन, वो भी कंप्लीट कर लो, उसके बाद एमसीक्यू की बात करना, पहले एमसीक्यू की नहीं। भैया पता चला टीचर ने कॉन्सेप्ट पढ़ाया नहीं, तुमने पहले एमसीक्यू करना शुरू कर दिया, इनकी पेंकी पोंकी, फादर हेडेड डोंकी, ये सब नहीं करना है तुमको, ऐसी तैयारी भी नहीं करनी है। अपने आप को प्लीज भटकाओ नहीं, जितने लोग भी ऐसी चीजें कह रहे हैं प्लीज दूर रहो, पहले पढ़ लो ये चैप्टर है क्या, पहले किताब लगा लो डीके गोयल, टीएस अग्रवाल, उसके बाद ये सारी बातें करना। लेकिन हाँ, थोड़ी प्रिपरेशन तुमको थोड़ी सी फास्ट करनी पड़ेगी, अभी जुलाई चल रहा है, तो मेरे हिसाब से तुम्हें क्या टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए। अगर मान लेते हैं सीबीएसई ने तो डिसाइड कर दिया है कि नवंबर में पेपर होने वाला है, और अगर आईएससी ने अभी तक डिसाइड नहीं किया, और मान लेते हैं अगर आईएससी ने भी डिसाइड कर लिया कि नवंबर में पेपर होगा और ये जुलाई चल रही है, तो तुम्हें कैसी प्रिपरेशन करनी चाहिए। जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है हमारे पास, फिर अक्टूबर, चार महीने हैं, और मान लेते हैं तुम्हारी एक किताब आने वाली है, उसमें 50-50% सिलेबस बोला गया है, तो भी ये एक किताब आने की उम्मीद हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि जितने थ्योरेटिकल पोर्शन वाले चैप्टर्स हैं वो दे दे सीबीएसई और वो दे दे आईएससी आपके पेपर में। अब थ्योरेटिकल पोर्शन वाले कौन कौन से चैप्टर हैं, ये सारी चीजें डिस्क्लोज हो जाएंगी जुलाई में, जुलाई के बाद ही एक्सटेंड नहीं होना, ठीक है। अगर आईएससी को ये फॉलो करना है तो आईएससी काउंसिल इसी महीने बता देगा आपको, नहीं तो स्ट्रेट वे जैसे पेपर लेता आ रहा है वैसे ही लेगा, वो ज्यादा किसी की सुनेगा नहीं। सीबीएसई ने तो बता दिया है कि भैया कि हम तो पेपर ले रहे हैं, आप जाओ तुमको जो करना है करो, और अब सीबीएसई बता देगा जुलाई में कि उसको भैया किस किस चैप्टर से पेपर लेना है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका जो वॉल्यूम टू हुआ करती थी जिसमें हम लोग पढ़ते थे रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, और उसके बाद क्या था भैया, ये तीन टॉपिक आते थे, हो सकता है इन तीन टॉपिक को उठा ले और साथ में इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर उठा ले, उसको मिलाकर भी वो 50% सिलेबस डिसाइड कर सकती है। लेकिन ऐसा होने के चांसेस कम है, चांसेस ये है कि एक बुक आपको पेपर में आ जाएगी और वो दूसरी बुक दूसरे पेपर में आ जाएगी, इस तरह करके डिविजन करने की उम्मीद है। लेकिन आपको पढ़ाई कैसी करनी चाहिए ये, इसके लिए मैंने पर्टिकुलरली वीडियो बनाया है, तुम्हें ज्यादा भटकने की और ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें करना क्या है, मान लेते हैं जुलाई में आपने सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ा है वो है फंडामेंटल। अब फंडामेंटल में तुमने कितने टॉपिक पढ़े हैं तुम पहले वो लिख लो। जैसे कि मैं अगर तुमको थोड़ी सी बात बताऊं, तुमने फंडामेंटल के अंदर बहुत सारे टॉपिक पढ़े होंगे, तुमने पढ़े होंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन कैसे निकालते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट कैसे निकालते हैं, और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे होता है एंड करंट अकाउंट कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे आते हैं, सारे टॉपिक तुमने पढ़े हैं, सब पे टॉपिक पर तुमने क्वेश्चन कराया। आप पूछ ले दो जब क्या क्वेश्चन पूछते हैं, अब पूछने के लिए पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या रेट होगा, बता देना 6% होगा, ठीक है ना। अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो 6% होगा। तो ऐसा कोई क्वेश्चन अगर तुमने कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ रखा है, तुमने सारे क्वेश्चन लगा रखे हैं, आने दो पेपर, जितनी दम है उनकी एमसीक्यू बनाने की कर लेने दो, तुम्हारा पेपर में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हाँ, हाउएवर इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज ओएमआर कैसे भरना है, आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं जल्दी से जल्दी, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और इस तरह की प्रैक्टिस ओवर पीरियड ऑफ टाइम आ जाएगी। तो करने की क्या तुम्हें जरूरत है भाई, पीएनएल आपने मान लेते फंडामेंटल पढ़ा, फंडामेंटल के ऊपर एक एमसीक्यू कर डाली 100 क्वेश्चन, और आप तो अच्छे हैं, आप अगर पढ़ लेंगे तो आप खुद 100 क्वेश्चन और बना सकते हैं दूसरे से करवा लीजिए। तो आपको यहां पर रैंकिंग निकालने की जरूरत नहीं कि हमारी दुनिया में रैंकिंग क्या आ रही है, आईआईटी जेई का पेपर नहीं है, ना ही ये कैट का पेपर है, तो हमें रैंकिंग नहीं पता करनी कि हम दुनिया से कितने पीछे, हमें ये पता करना कि हमारे कितने सही हो रहे हैं। भाई बार बार मैं बता रहा हूं, कॉम्पिटिशन के चक्कर में मत भागो, अपनी चेंजेस लाओ, तुम अपने अंदर कितने चेंजेस ला पा रहे हो, तुम्हें कितने अच्छे तरीके से तुम्हारे कॉन्सेप्ट प्रिपेयर्ड है, उस पर ज्यादा ध्यान दो, बशर्ते कि दूसरा क्या कर रहा है, ठीक है ना। खुद के अंदर चेंजेस लाओगे अच्छे बन जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भागो मत रेस में,
ठीक है, बहुत लोग तुम्हें रेस में भगा रहे हैं, मत भागना, तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है, तुम्हें वही करना जो तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम अपने अंदर रोज रोज चेंज लाओ, तुम पूरा पूरा फंडामेंटल लगाओ, तुम पूरा एडमिशन लगाओ, पूरा लगा लो, उसके बाद एमसीक्यू ट्राई करो। भाई गूगल में बतेरे एमसीक्यू पड़े हुए हैं और हम भी आपसे एमसीक्यू शेयर करेंगे। तो ऐसा कोई एमसीक्यू बहुत बड़ी चीज नहीं आ गई है मार्केट में कि तुम्हें मिलेंगे नहीं क्वेश्चन, और याद करने की भी जरूरत नहीं है। पता चला भैया आपने पूरा फंडामेंटल पढ़ा, आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा, तुम्हें पीएल अप्रोप्रिएशन नहीं बनाना आता और तुम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, गधे हो तुम अगर ऐसा करोगे तो। ऐसा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप पहले क्वेश्चंस लगाइए, आपकी पूरी किताब कंप्लीट करिए, उसके बाद एमसीक्यू बहुत सारे तुम्हारे डीके गोयल में दे रखे हैं। बहुत सारे एमसीक्यू ऐसे हैं जो हम लोग गूगल में तुमको मिल जाएंगे, हम लोग भी प्रोवाइड कर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपकी प्रिपरेशन नहीं हो सकती है बेटा, इसलिए किसी रेस में नहीं भागना है। आपको कंसेप्चुअली स्ट्रांग होने की जरूरत है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने की जरूरत है। तो तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हें भैया नहीं समझ में आ रहा, हमारे सारे सारे वीडियोस हमारे नए चैनल पर मिल रहे हैं। आईएससी वाले बच्चों को ऑब्सेशन और कॉमर्स हब पे मिल रहे हैं, सीबीएसई वाले बच्चों को परसेंटेज बूस्टर के चैनल पर सारे सारे वीडियोस में पोस्ट कर रहा हूं। एक एक वीडियो देखो, कॉन्सेप्ट सीखो, क्वेश्चन लगाओ, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर, ज्यादा कोई इशू नहीं। और तुम्हें लगता है कि नहीं भैया मैं अकेले सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे सर आपकी जरूरत है, मुझे रेगुलरली पढ़ना है आपके साथ, तो आज स्पार्टन्स में इनरोल कर लो। इतनी कम फीस के साथ इनरोल करवा रहा हूँ, 7500 पूरे साल तीनों सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। तो अगर तुम्हें लगता है केवल तभी तुम आ जाओ, उसको भी कर सकते हैं हम लोग लाइव, हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे उसमें लाइव पढ़ रहे हैं। तो सारे ऑप्शन तुम्हारे पास खुले हुए हैं बेटा। तो मेरे हिसाब से अगर तुम्हें इसके बाद भी कुछ चीज ऐसी है जो पसंद नहीं आ रही है, या आपको ऐसी चीज चाहते हो जो मैं यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करके आपके पास लेकर आऊं, फटाफट से मैसेज करो, फटाफट से व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप का भी नंबर आपको इस पर मिल जाएगा, और एक टेलीग्राम का लिंक है वो भी आपको मिल जाएगा, और साथ ही साथ में कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे क्या क्या चीजें हैं जो आप डिमांड कर रहे हैं। एक बस बात बताना चाहता हूं, किसी रेस में भागने की जरूरत नहीं है कि भाई इतने बच्चे एक साथ पेपर दे रहे हैं तो अपनी रैंकिंग चेक कर लो। भाई नहीं, हमारी रैंकिंग से यहाँ पे नंबर नहीं आने, हमारे नंबर कितने आने उस पर मेहनत करनी, इंडिविजुअली अपने पे मेहनत करो, इंडिविजुअली अपना कोर्स कंप्लीट करो, किसी रेस में मत भागो, कोशिश करो। अगर जब भी ऐसा हो जाता है तो आप अपना सिलेबस विद इन वन मंथ पहले कंप्लीट कर ले, और उसके बाद एक महीना धड़ाके से पेपर में, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे पहले कर रहा था वैसे अभी भी करते रहेंगे, ज्यादा लोड लेने वाली बात नहीं, और हो जाएगा सब कुछ, मैं बता रहा हूँ। और सारा सारा टॉपिक अगर पेपर के पहले मैं आपको YouTube पर अपलोड करके दे दूंगा, फ्रॉम पिन टू एलिफेंट ईच एंड एवरीथिंग विल बी देयर ऑन द YouTube चैनल। तो अगर अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है ये वाला चैनल, या ये जिस चैनल पर भी तुम वीडियो देख रहे हो, तो फटाफट से करो ताकि तुमसे एक भी वीडियो मिस ना होने पाए। लगातार पढ़ो, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे अपलोड कर रहा हूँ मैं अकाउंटेंसी का वीडियो, ट्यूसडे थर्सडे में अपलोड कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स का, और सैटरडे को बीएसटी और कॉमर्स का वीडियो अपलोड किया जा रहा है। फटाफट से पढ़ो, और मैं हूं ना, बाय बाय।